तो आज की हमारी क्लास में वीवीए प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल का फॉर्मूला लिखेंगे वीवीए के थ्रू। यहां पे मैं वीवीए क्या नहीं एक्सेल की फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है और मुझे इस डेटा में जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 50 से और नीचे तक ड्रैग करना है कुछ इस तरह से, राइट तो हालांकि वीवीए कंसेप्ट तो अलग है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वीवीए कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं पता चलता है, इसलिए हम एक्सेल के कंसेप्ट को ही फॉलो करते हैं। ओके तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या देखते हैं, क्योंकि अभी हमने लूप वगैरह कंडीशन वगैरह नहीं पढ़ा है, इसलिए हम एक्सेल फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इस पे मुझे B2 के ऊपर टाइप करना है, तो मैं यहां लूंगा रेंज और यहां दूंगा B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल B2 मल्टीप्लाई A2 सॉरी B2 नहीं A2 हाँ A2 मल्टीप्लाई बाय मान लीजिए 50। तो ये क्या करेगा कि जैसा A है ना सेम इसके अंदर डाल देगा, लेकर के देखिए डाल दिया। तो बेसिकली इक्वल लगा था, तो इक्वल लगने के कारण ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन गया। अब मुझे इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करना है कुछ इस तरह से। कैसे करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मुझे कैसे क्या करना है कि पहले कॉपी करना है। तो रेंज हम लिखेंगे B2 डॉट कॉपी, B2 डॉट क्या किया हमने कॉपी किया। तो रेंज A1 डॉट फॉर्मूला डाला तो इसके अंदर सेम फॉर्मूला डाल दिया, और फिर हम यहां पे B2 डॉट कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? B2 डॉट कॉपी, तो इसने कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद मुझे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने से पहले सिलेक्ट करना है जहां पे पेस्ट करना है ये वाला एरिया। कैसे सिलेक्ट करें? तो इसके लिए लिखेंगे यहां पे रेंज, रेंज में यहां डालेंगे हम B2। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रहा है? नहीं सरियोम जी अभी जस्ट आए हैं। हाँ सर, हाँ सर। B2 और यहां पे हमारा आ गया B10 डॉट अच्छा यहां पे B2 से B10 और यहां पे किया डॉट सेलेक्ट और एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। हमने क्या किया? एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, समझे? अब प्रॉब्लम ये है, तो फिक्स हो गया ना सर? जी। अगर मैं इसको रन करता हूं तो फिक्स कर दिया। कल के डेट में मेरा डेटा कम या ज्यादा हो सकता है। अब मेरा डेटा मान लीजिए कल के डेट में 20 हो गया या कम गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले जाएंगे A65000.xlsup और इसमें डॉट ऑफसेट 0.1.select। ये क्या करेगा सर? हरिओम जी एक कोड क्या करेगा? A10 तक जाएगा और बाद में B10 में शिफ्ट होगा, सेम यहां पे आएगा। कैसे बताता हूं? A65000 एंटर किया, यहां से कंट्रोल अप किया। अप करने के बाद
हमने यहां पे इसको राइट कॉमा दिया, यहां पहुंच गया, ठीक है, समझे। तो यहां हम दे सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, क्या दे सकते हैं, एक्टिव सेल, ये ऑटोमेटिक हो गया, समझे, कि भाई स्टार्टिंग सेल क्या है हमारा, एक्टिव सेल, मतलब जहां पे कर्सर एक कोड छोड़ेगा, समझे कि नहीं सर। अब यहां पे एंड जो है वो दिखाना होगा, तो मैं नीचे से ऊपर जाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, नीचे से ऊपर जाना चाहता हूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कोड यूज करेंगे, हम लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस अप और साथ में ऑफसेट 1,0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पे ये होगा ना, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 50 तो होगा ही होगा क्या, समझे। तो देखिए क्या करेगा, दिखा, अब कल के डेट में डेटा मेरा घटेगा बढ़ेगा, जैसे मैं यहां पे बढ़ा देता हूं 14 तक कर देता हूं, फिर भी आप देखेंगे कि मेरा काम ऑटोमेटिक करेगा होगा, समझे। ओके, समझ में आया कि नहीं सर, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए दूसरे तरीके से समझाते हैं, इसमें बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, इसमें हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो कॉपी वाला कोड है इसको हटा दिया, अब यहां एक्टी यहां पे दिख गया ऑफसेट वाला, ठीक है सर, और पेस्ट भी हटा देते हैं यहां पे, ठीक है, समझे। तो फिर होगा कैसे, होगा कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हम यूज करेंगे सिलेक्शन डॉट फिल डाउन, ओके, समझे, और फिर इसमें हमें ये ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा है? तो पहला लाइन जो है, एक मिनट ब्रैकेट देना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट छूट गया, देखिए पहला लाइन क्या करेगा, पहला लाइन करेगा इसमें मल्टीप्लाई बाय 50 का फॉर्मूला डालेगा, दूसरा लाइन क्या करेगा, दूसरा लाइन जाएगा ए 65,000 पे और यहां से ऊपर आएगा और ऑफसेट क्या करेगा, यहां पे ले आएगा, फिर तीसरा लाइन क्या करेगा कि यहां से कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर देगा, और चौथा लाइन क्या करेगा, कंट्रोल डी का शॉर्टकट यूज करेगा फिल डाउन का, समझे। अच्छा एक चीज, जैसा ऑफसेट के बाद उसने सिलेक्ट लिखा हुआ है तो सिलेक्ट भी तो करेगा ना, तो ये तो सिलेक्ट यहाँ किया है, सिलेक्ट इसने एक सेल को सिलेक्ट किया इसने, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल है ना, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है ना, ठीक है। रेंज कब सिलेक्ट होता है, जब स्टार्टिंग और एंडिंग होता है, जैसे यहाँ डाला हुआ है मैंने स्टार्टिंग एक्टिव सेल और एंडिंग एक्टिव सेल से ऊपर तक, एंड ऊपर तक, ओके समझे। जैसे इससे पहले मैंने डाला हुआ था B2, B10, तो B2 स्टार्ट था और B10 एंड था, और ये सिलेक्शन फिल डाउन क्या करेगा, और कंट्रोल डी करेगा, अच्छा मतलब पेस्ट का काम करेगा, फिल डाउन पेस्ट का काम नहीं करेगा, फिल डाउन होम के अंदर होता है, फिल डाउन अब पढ़ाया था शायद भूल गए, नहीं वो तो मतलब फिल डाउन तो वो होता है कि जैसा है वो आ जाएगा, मगर फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा उससे, फिल डाउन वही करेगा ना, ऊपर की पूरी सेल को नीचे लेके आएगा तो वही करता है फिल डाउन, हम कंट्रोल डी से है ना, देखिए फिल डाउन कंट्रोल डी करता है सर, कंट्रोल डी हां, ओके जैसे हुआ ना ये सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर रहे तो आ रहा है ना सर, ओके ओके मैनुअल आ रहा है तो डीडी के थ्रू भी आएगा, तो दोनों तरीके बता दिए, कॉपी पेस्ट भी तरीका बता दिया और एक भी तरीका बता दिया, अब आपको जो सुटेबल लगता है यू कैन यूज। अब क्वेश्चन आता है क्या इसमें हम कोई एक्सेल वर्कशीट का फॉर्मूला अपना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
कि अगर ए ग्रेटर देन 50 हुआ तो 40 रुपीज की इंसेंटिव यहां देती है, समझे? ओके तो कोडिंग तो जो भी है वो सेम रहेगी, कोडिंग में किसी तरह का चेंज नहीं हो, बस यहां जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां भी क्या लिखेंगे, अब ये फॉर्मूला आप यहां ऑलरेडी लिख लीजिए कि इक्वल इफ अगर ए ग्रेटर देन 40 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय, नहीं ग्रेटर देन 50 है ना, ग्रेटर देन 50 है तो ए मल्टीप्लाई बाय 40 अदरवाइज जी। हमने एक्सेल फॉर्मूला लगा लिया, अब हमें इसी फॉर्मूले को करना है कॉपी और यहां डाल देना, ठीक है? अब रन कीजिए, आ गया सर। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे वो इनवर्टेड कॉमा में और डालेंगे? जी हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी पता है सर? जब इन्वर्टर टेक्स्ट होगा, जैसे मैं चाहता हूं कि अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो आना चाहिए ओके, अदरवाइज पेंडिंग। या अब इसको कैसे करेंगे हम? अगर मैं यहां पे 3 कर दिया तो यहां पे अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया ओके, तो वीवी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। जी जी जी, तो इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, कर्ली ब्रैकेट। क्या हरिओम जी, वीवी कंफ्यूज होगा ना? हाँ सर। कैसे कंफ्यूज होगा बताएंगे सर? ये पेंडिंग का क्या सबसे ब्रैकेट है आपका? सेल 65 नहीं नहीं, फॉर्मूला सही है एक्सेल पे, इसको कॉपी करके एक्सेल पे पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला वर्क करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी करके यहाँ पे डालें तो ये तो वर्क करेगा, देखिए वर्क किया। बट वीवी के में वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा, अब वीवी ने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, यहाँ इसका खत्म हो गया, अब बोला है कि ओके विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। VVA को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ओके को जो मैं इन्वर्टर कॉमा में लिखा है ना, सेम यहाँ इन्वर्टर कॉमा में लिखना है। वो समझ रहा है कि फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, ये इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ, समझे? तो अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा में VVA के थ्रू एक्सेल पे ही प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम डबल कोटेशन मार्क में रखेंगे। किस में रखेंगे? डबल कोटेशन मार्क। ओके समझे? दो बार आ लेंगे, समझ गए सर? क्लियर है? हो गया सर? तो आपको हम इफ के कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है? अब उन क्वेश्चंस को वीवीए के थ्रू आप बना के दीजिए, समझे? ठीक है सर। वो पेंडिंग का क्राइटेरिया किस लिए लगाया है? अगर 50 से ऊपर ना हो तो हाँ, अच्छा समझे? ओके तो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है इसे एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने दे दी है आप, ठीक है ना? अब आप दोनों क्या करें, इसको बनाए और बना के मुझे भेजें, ठीक है? ठीक है।